होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मर्दानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मर्दानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हम लोग ट्रैफिक नियम के खिलाफ फूक रहे हैं। जो बिहार सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं जो कॉलेज आ रहे हैं दो बैठकर ही, तो बिहार सरकार के द्वारा जो बाइक 10,000 के है उस पर 20,000 फाइन किया जा रहा है। इसी को विरोध छात्र जन अधिकार इस सरकार को आज जगाने की काम कर रही है। अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है तो छात्र जन अधिकार पार्टी उग्र आंदोलन बिहार सरकार एक केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी। मैं रंजन कुमार, छात्र जाप, जिला प्रवक्ता सह सिन्हा कॉलेज उपाध्यक्ष। वाहन के नाम पर जो वसूली हो रहा है उसको देश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि छात्र अधिक इस वाहन पर चलते हैं। छात्र बेरोजगार होते हैं, उसको लाइसेंस मांगा जा रहा है। तो तुम क्यों नहीं लाइसेंस सरकार बना के देती है 2 दिन में, क्यों नहीं दे रही है सरकार? सिर्फ काला कानून करना चाहती है। देश में हिटर शाही सरकार, तानाशाही ये हुकूमत की याद आता है ब्रिटिश सरकार के, जो काला कानून लाया था। अंग्रेजों को हुकूमत में भी इस तरह के नहीं काला कानून लाया गया था। आज जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में जो काला कानून लाया गया है, इसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी पूरी मजबूती के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मोदी जी को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने काला कानून वाहन के जाम पर नाम पैसा वसूल कर रहे हैं, उसी तरह से आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आज बिहार सरकार दारू में जिस तरह से दारू से बंद कर दिया बिहार, वो दारू घर घर पहुंच रहा है। कहीं बिहार में दारू बंद नहीं है। प्रशासन पैसा लूटने के फेरा में है, दारू माफिया से पैसा कमा रहा। उसी तरह से छात्रों से वसूलने में लग गया है। किसान जो मध्यवित्त वर्ग हैं उन लोगों से पैसा वसूल कर प्रशासन को कमी नहीं पड़ गया है और कोई नियम नहीं है। सरकार सिर्फ गरीब को लूटने के लिए आया है और लूटने के लिए ही बना है। इसमें मैं विजय कुमार उर्फ गोलू यादव, प्रदेश महासचिव सह मगध प्रमंडल प्रभारी जाप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।